like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, मैं गीतिका, आप कप के लिए लेकर आई हूँ मौसम्बी का जूस, जो कप को पसंद है, छोटे बड़े और सब को। देखते हैं हमें मौसम्बी का जूस बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें इसे बनाने के लिए ठंडा पानी चाहिए, आइस क्यूब चाहिए, काली मिर्च पाउडर चाहिए, जीरे आधे कच्चे आधे भुने हुए चाहिए, काला नमक चाहिए, चीनी चाहिए, जलजीरा पाउडर चाहिए, मौसम्बी हमारी चाहिए और फिर हम इसमें मिंट लीव्स डालेंगे। तो चलिए हम इसे आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और हमारा जार बिल्कुल धुला हुआ और साफ है। तो हम इसमें यहाँ पे हमने जो कि हमारी मौसम्बी की स्लाइस कट करके रखी हुई है और इसके गुदे अच्छे से निकाल लिए हैं जूस के साथ, तो हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। आप सब देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से निकाल लिया है और हम इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल दिया है। फिर हम इसमें जलजीरा पाउडर लेंगे, स्वाद के अनुसार हमने उसे भी डाल दिया है। फिर हम यहाँ पे हमारा जो जीरा आधा कच्चा आधा भुना हुआ है उसे हाफ टी स्पून डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अपनी स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, आपको पसंद ना हो तो आप नहीं भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे काला नमक लेंगे। फिर हम यहाँ पे जो कि मौसम्बी थोड़ी खट्टी मीठी होती है इसलिए आप शक्कर बहुत ना लें, इसलिए हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही लिया है। और हम इसमें यहाँ पे मिंट लिप्स लेंगे और उसे भी डाल के अच्छे से मिक्सर का हमारा जो ग्राइंडर का जार है उसे अच्छे तरह से बंद कर लेंगे। आप सब देख सकते हैं कि हमने सभी कुछ इसमें डाल के अच्छे से बंद कर लिया है और हम इसे ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमारा मौसम्बी का जूस बन के तैयार हो गया है और ये भी बहुत ही अच्छा बन के आया है और ये मौसम्बी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम एक सर्विंग बाउल की सहायता से एक साफ बर्तन में इसे छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक छन्नी बाउल ले लिया है और एक साफ बाउल लिया है जिसमें कि हम अपने मौसम्बी के जूस को अच्छे से निकालेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि ये बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमारा मौसम्बी का जूस बन के बिल्कुल ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है और इसकी स्मेल बहुत ही सुंदर आ रही है। तो अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि हमने इसे यहाँ सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है और अब हम इसमें जो हमने आइस क्यूब और मिंट लिप्स रखा था हम इसे भी डाल देंगे और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। आप सब देख सकते हैं बिल्कुल ही जल्दी बन के तैयार हो गया है और हम इसमें अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा जो कि हमने भून के रख लिया है और कच्चा जीरा तो हमने इसे भी डाल दिया है। अब ये बिल्कुल ही बन के रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। तो आप सबको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।